बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है, निवेशकों के बीच टेंशन नहीं नजर आ रही है। बाजार में तेजी का राज क्या है? क्या बाजार की रफ्तार पर ब्रेक जरूरी है? क्या बहुत महंगा हो गया है बाजार? क्या आईटी के लिए खुशखबरी लेकर आया है टीसीएस? रेलवे शेयर्स में तेजी की वजह क्या है और क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में हम आपको बताएंगे कि मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन, रिसर्च एंड रैंकिंग के सीआईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा और अंसित कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह आखिर इन सवालों पर क्या राय देते हैं। बाजार की चाल पर नजर डालें तो इसमें एसआईपी का दम जारी है। जून में एसआईपी इनफ्लो 21,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। जून में एसआईपी इनफ्लो महीने दर महीने आधार पर 20,904 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,260 करोड़ रुपए रहा है। 2024 के पहले 6 महीनों में एसआईपी इनफ्लो 1,00,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। जनवरी से जून 2024 में एसआईपी इनफ्लो 1.19 लाख करोड़ रुपए रहा है। जून में महीने दर महीने के आधार पर कुल एयूएम 58.64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 60.89 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो क्या महंगा है बाजार? इस सवाल पर इन एक्सपर्ट की मिलीजुली राय है। निफ्टी का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। निफ्टी का मौजूदा पीई 23 पर है। इस 5 सालों में अर्निंग ग्रोथ 15 रही है। निफ्टी की ग्रोथ भी 15% रही है। 2018 से 19 में भी निफ्टी का वैल्यूएशन यही था। बाजार में लिक्विडिटी का तड़का। बाजार में जोरदार निवेश आता नजर आ रहा है। पीएफ, एसआईपी, इंश्योरेंस और एमएफ यानी म्यूचुअल फंड से लगातार निवेश हो रहा है। हर महीने 1500 करोड़ रुपए का निवेश जारी है। एफपीआईस की बिकवाली भी अब खत्म हो गई है, अब ये नेट बायर बन गए हैं। फैमिली ऑफिस से बाजार में खरीदारी जारी है। बाजार के लिए अच्छे संकेत। बाजार के लिए कई अच्छे संकेत दिख रहे हैं। अमेरिका में महंगाई दर में कमी आ रही है। अमेरिका में सीपीआई घटकर 3% पर आ गई है। कच्चे तेल के दामों में स्थिरता है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिख रहे हैं। फेड इस साल ब्याज दरें 2 बार घटा सकता है। बाजार से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बार के बजट में कैपेक्स पर फोकस रहने की भी उम्मीद है। टीसीएस पर क्या कहता है मैनेजमेंट? नतीजों के बाद टीसीएस के मैनेजमेंट ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 बेहतर रहेगा। मार्केट में डिमांड की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। टीसीवी 700 से 900 करोड़ डॉलर के बीच रहना अच्छा नहीं है। क्लाइंट्स से बड़ी डील को लेकर बातचीत जारी है। इस साल के आखिर तक मार्जिन 26% से 28% के बीच रहना संभव है। नॉर्थ अमेरिका बीएफएसआई और यूरोप में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। बीएफएसआई में बैंकिंग का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पिछले 6 तिमाहियों से कस्टमर सेंटीमेंट स्थिर है। गौरतलब है कि जून तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 8.72% उछलकर 12,040 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 5.44% उछलकर 62,613 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि तिमाही आधार पर इसके नतीजे मिले जुले रहे, क्योंकि मार्च 2024 तिमाही में इसे 12,434 करोड़ रुपए का मुनाफा और 61,237 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। कंपनी के नतीजे मार्केट के अनुमान से बेहतर रहे हैं। मनी कंट्रोल के सर्वे में टीसीएस को 11,999 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट और 62,190 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया था। टाटा ग्रुप की इस आईटी कंपनी ने 10 रुपए के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब सवाल है, तेज रफ्तार में क्यों है रेलवे शेयर? एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में सरकार से उम्मीद बड़ी है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बना रहेगा। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ कैपेक्स की घोषणा हुई थी। पूर्ण बजट में भी कैपेक्स पर यही रुख जारी रहने की उम्मीद है। रेलवे और पावर सेक्टर के लिए ज़्यादा अलॉटमेंट संभव है। रेलवे कैपेक्स अगले 5 सालों में 76% बढ़ने की उम्मीद है। कोयला खनिज ढुलाई के लिए अलग ट्रैक को प्राथमिकता दी जाने की संभावना भी है। रेलवे शेयर्स की रफ्तार की बात करें तो आरवीएनएल ने 1 महीने में 59.32%, रेलटेल में 40.35%, इरकॉन में 23.68%, रामकृष्णा फोर्गिंग्स में 22.76%, IRFC में 22.33%, टीटागढ़ रेल में 19.09% और RITES में 12.79% की तेजी देखने को मिली है।